हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मसाला फ़िश फ्राई। तो जो मैंने मसाला फ़िश फ्राई बनाई ये कुछ अलग ही तरीके से बनी है और इसका जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। इसको मैंने दो बार मैरिनेशन किया है। अगर आप इसको देखेंगे और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं जो मसाला ये दिख रहा है कितना बढ़िया इस पर कोट हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसको फुल वॉच करेंगे तो आप इसको देख के बनाएंगे मेरे साथ तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आएंगे। तो चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। तो ये मैंने 1 किलो सिंगाड़ा फिश लिए। आप कोई भी फिश ले सकते हैं, स्वाद उसका बहुत ही अच्छा आएगा। बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको मैं मैरिनेट करती हूँ। सबसे पहले हम इसका मैरिनेट करेंगे ये हरे मसाले का। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये लिया है हरा धनिया, ये 2 मिर्ची ली है। इसी तरह इसको तोड़ के डाल देंगे और ये हमारा 15-20 छोटी छोटी लहसुन है, इसको हम सारे को डाल देंगे इसमें। ये अदरक लिया मैंने, इसको भी हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। अब हम इस सारे मसाले को अपनी फिश के ऊपर डाल देंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हाथों से अच्छी तरह बहुत ही केयरफुली मिला देंगे। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम ये एक ड्राई मसाला तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। नमक हमारे को ये भी एक ये दूसरा मैरिनेशन है, इसके अंदर नमक हमने उसमें भी डाला है और इसके अंदर भी डालेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर डालें। ये हमारी है कुटी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। ये 2 चम्मच हमने लिया है धनिया। ये थोड़ी सी हमने लिया हल्दी 1/4 चम्मच और ये थोड़ा फूड कलर। ये है हमारी आधी चम्मच काली मिर्च। मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये थोड़ा मैंने आधी चम्मच लिया है अमचूर पाउडर और ये 1 चम्मच छोटी हमने ली है अजवाइन और ये है हमारी कसूरी मेथी। तो अब हम इन सब मसालों को आपस में मिला लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले ड्राई वाले सारे मिला दिए हमने। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। 4 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर बेसन और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर चावल का आटा भी डाल सकते हैं और फिर वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर अरारोट भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए सूखे मसाले हमारे सारे मिल गए हैं और अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। ये देखिए बस हमारे को इसी तरह इस बैटर को रखना है। अब अपनी फिश को हम देखते हैं और उसके बाद हम इसको उसके अंदर मिलाएंगे। ये हमारा 2nd मैरिनेशन है। ये देखिए हमारा फिश जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर अपना जो जो मसाला बनाया था इसको हम डाल देंगे। देखिए इस तरह हम इसको सारे पीसेस पे लगा देंगे। देखिए अब एक एक हम इस तरह उठा के तीन हमारे बन चुके हैं। अब इसके अंदर एक एक पीस को इनको हमने डीप फ्राई करना है तभी इस फिश का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। हम इसको पलटते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। हमें इसको ज़्यादा हाई पे नहीं सेकना है, मीडियम पे ही हमें इसको सेकना है। ये देखिए हमने उलट पलट के दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कलर कितना फर्स्ट क्लास इसका आया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और अपने सारी फिश को हम इसी तरह डीप फ्राई करके रख लेंगे। इसको हम निकालते हैं। ये लीजिए हमारी फिश मसाला फ्राई तैयार है। कितने इसमें मसाले डले हैं और कितना इसका 2 बार हमने इसको मैरिनेशन दिया है तो उसके बाद देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही देखने में लजीज लग रही है ये और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। तो आप भी अगर इसे इसी तरीके से बनाएंगे तो आप हर बार इसको बना के खाएंगे। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं शुरू।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।